बीजेपी को बहुमत है सर, किस तरीके से आप देखिए, एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं, वो नंबर कम है और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने काम किया है, हमारे बूथ अध्यक्षों ने काम किया है, हमारी सब इकाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए पिछले 7 सालों में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो है वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पतालों का क्षेत्र हो, चाहे एम्स खुलने की बात हो, चाहे रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, भारतमाला श्रृंखला में सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। उस काम पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और हम लोगों ने भी कोशिश की है मोदी जी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको प्रचंड बहुमत मिलेगा। कांग्रेस ये कह रही है कि हम 10 तारीख का इंतजार करेंगे, अभी तो ये एग्जिट पोल है, हम इस पे विश्वास नहीं करते। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था, और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। सर, राष्ट्रीय दिवस है, सर आप के लिए। देखिए, जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को आज महिला दिवस के इस अवसर पर उन सबका स्मरण करता हूँ, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सारी मातृशक्ति हमारी जो उत्तराखंड राज्य है उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हो, चाहे राज्य बनाने की बात हो, चाहे राज्य को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे आज उनके हर क्षेत्र में उनके योगदान की बात हो, हमारी मातृशक्ति आ गई है। मैं सभी को आज के इस पावन दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।